तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जब भी आपके पास साइन की पावर समथिंग आए और कॉस की पावर समथिंग आए, तो उसमें आप ये देखा करिए कि किसकी पावर ऑड है ना। जिसकी पावर ऑड है उसे हम लोग टी प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों सेम एंगल में है तब की बात हो रही है, ठीक। यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दोनों की पावर ऑड है। इसका मतलब किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो टी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए क्यों ऐसा होता है ना, और कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। फाइनली एक पॉलिनोमियल में चला जाएगा। खैर, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक आपका साइन अलग कर दें, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस आपका क्यूब एक्स और साइन एक्स लिख लें डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका इस साइन स्क्वायर का, साइन को आप क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो दैट कुड बी रिटेन एज ए वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स है ना, तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा माइनस डी टी के। तो ये अगले स्टेप में आप लिखेंगे माइनस डी टी, ठीक है। तो जहाँ कॉस टी है वहाँ टी प्लेस कर देते हैं, और जहाँ साइन एक्स डी एक्स है मतलब यहाँ पे आप माइनस डी टी प्लेस कर दीजिए। तो दैट कम्स आउट टू बी, या क्वेश्चन पूरा आपका वेरिएबल टी में कन्वर्ट हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर और टी क्यूब, और ये हो गया माइनस डी टी, ठीक है। माइनस डी टी, ये माइनस अंदर मंडलाई कर दें तो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो इट बिकम टी स्क्वायर माइनस वन, और फिर टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इधर कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा आपका टी की पावर, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर फाइव और माइनस टी क्यूब डी टी, ठीक है। अब चूंकि जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज अ लीनियर ऑपरेटर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेगा, तो दैट इज टी की पावर फाइव डी टी एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी, क्या हो जाएगा आपका टी की पावर सिक्स अपॉन सिक्स मतलब वन बाई सिक्स और माइनस टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। लेकिन हमें क्या करना है, टी हमारा डमी वेरिएबल है, कोई यू एज्यूम कर सकता है, कोई वी एज्यूम कर सकता है, तो हम टी के टर्म में तो आंसर छोड़ेंगे नहीं। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे टी की प्लेस पे क्या रखना होगा, कॉस एक्स रखना होगा। तो यहाँ रख दें हम लोग कॉस एक्स की पावर सिक्स और माइनस कॉस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर और प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।